नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करूँ आपण समस्त बहुत ही बढ़िया थे। एक्चुअली आज मुझे जगतपुर मोर जो सांग से सांग आप चिन्ह थे तो मुझे कौन पाई आज आपको जनइबी फास्ट सांग देखी दिंतु। हाय फ्रेंड्स, तो ये रिंकू आपने अलग भिडियो भी आपको देखिए। आज एटिक आसार मेन कारण हूँ गोटे ट्रांसफर्मर फैक्ट्री अच्छी। तो ट्रांसफर्मर फैक्ट्री केमी कौन सब ट्रांसफर्मर तैयार होती, जो ट्रांसफर्मर आम मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी जालुं घरे से केमती हाई वोल्टेज रू लो वोल्टेज है कि आम पाखु 220 वोल्ट आसुची। तो तापाई गोटे ट्रांसफर्मर लगे, से ट्रांसफर्मर टा केमी कौन मैंने तैयारी होती, तो से विषय में मुझे भिडियो देखेबी। जब भिडियोटी आपको भल लगे और आपड़ से ट्रांसफर्मर विषय में इन डिटेल जानकुक चाहिए तो आप मतलब कमेंट मध्यम लिखे, तापर मुझे आपको इन डिटेल आपको जनइबी। ये जस्ट मैं फैक्ट्री केमी कौन काम हो विषय जस्ट डिटेल्सटा अच्छी। आ भिडियोटी भल लगे लाइक करेंगे, सांगे सेयार करेंगे और कमेंट मध्यम मतलब जनइबे भिडियोटी आपको केमी लगेगा। तो चलो तो देखिए फैक्ट्री गोटे लोक ये सब ट्रांसफर्मर कॉइल ये थी एलटी कॉइल एटा सब एलटी कॉइल गुटा एटा एसटी ना एटा एसटी कॉइल एटा सब एसटी कॉइल थुआ जो ट्रांसफर्मर थ्रू आमको सब करंट आसुच्छी ता भितर सब ये सब जिनस थाए ये सब कॉपर ना एल्युमिनियम सब एल्युमिनियम यार कॉपर भी गोटे अच्छी ना कपर आगुरी आसाला सब आलुमिनियम चोरी है सब आलुमिनियम सुपर नामेल जो नाली नाली देखा सुपर नामेल हाँ कवरिंग बेयर था बेयर उपर गोटे कवरिंग था सुपर नामेल कवरिंग डीपीसी कवरिंग डबल पेपर कवरिंग हाँ हाँ ये हूँ कयल को वाइंडिंग करने एस टी वाइंडिंग मेसीन यहाँ आई एल बी कयल को वाइंडिंग करने एल टी कयल को एल बी वाइंडिंग मेसीन एल टी टा पूरा मोटा हाँ ये लगे हतार ये पूरा पतला तार लगे था फाइव हंड्रेड के भी 11.4 वोल्टेज कमे बढ़े पारे बढ़ने कमे पारे एगुडा पावर स्टेशन लगे नाई ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर ना इलेवेन एगार हजार पशे साउट हम ना आम डेली जो घर को जो करेन्ट आ कंपानी वाला कौन लगे डबल फेज लाइन हाँ तीन फेज एटा सिक्सटीन के भी है सिंगल फेज ओनली 250 आउटपुट एगार हजार पशे दीटा पड़ेगा 250 और 16 डिग्री ये देखो टोटल ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री का भीतर रिव्यू बर्तमान कौटा आसेम्बलिंग हो आसेम्बलिंग कंप्लीट पर पुणी एल टी कॉल जमी बसुच खोला तो आपको कोर्ट खोला एल टी कॉल बस तो एटा हिसला पर तापर जीवो हिट चैंबर को नहीं एलटी पर अपन एसटी बसियो तापर ओके सिटी जोड़ा जो एसटी कॉइल एसटी कॉइल तापर बसियो एसला पर फोन टॉप पर जो खुला ही दिबो सेटा लगा हबो लगा ही चैनल सब एकदम टाइट है कंप्लीट है तापर हिट चैंबर ये हमर हेड मिस्त्री बुझ लई अरे अरे दी हेलो बोलो खाली एल टी कॉल पूरा इन्सुलेशन दिया जाए इन्सुलेशन एल टी कॉइल आउ एस टी कॉइल भितर किसी कनेक्शन
जहाँ मैग्नेटिक करेंट ट्रैक कर एल टी एस टी बसीज टोटाल आसेंबली कम्प्लीट हो तार मेगरिंग भैल्यू बढ़ावाई आम हिट चेम्बर भर तक बढ़े बुझे कंप्यूटर जब देखिए मेगरिंग बस जबड़ा सब हिट करा हाँ जब हिट है तार मॉइस्चर कंटेंट जो थी जब से मॉइस्चर कंटेंट सब बाहर जीव ऑटोमेटिकली मेगरिंग भैल्यूटा बढ़ी जीव तो मेगरिंग भैल्यू बढ़ी गले आम जा टैंकिंग कर टैंक भितर अन ही ना चेम्बर जो फुल चेम्बर अन कर सब सैज सब हिटर लगे गरम करेम्परेचर मीटर 90 डिग्री पर्यंत आम टेम्परेचर दे अधिका है अटोमेटिक ट्रिप हो अधिका हम पुणी कम मैंने अटोमेटिक अन हो सब स्टेटर लगे सब जितक जब हम सब ये हिट करा तो ये हूँ फास्ट टैंक हूँ तो टैंक पर टैंक पर प्राइमर पड़ी आप प्राइमर पड़ला कलर पड़ो दी कोटर कलर पड़ला जो आम हिट चेम्बर भितर जब बाहर की आस मेगरिंग आधे बक्स हम टैंकिंग हम टैंकिंग पुणी फाइनल कम्प्लीट हे पशिला अएल दिखे आम ये फिल्टर मेसीन अच्छी फिल्टर मेसीन में ओके तो ये मशीन थ्रू रे से ऑयल टाको या धरे से माने ट्रांसफार्मर भीतर पूरा आवो तो ट्रांसफार्मर भीतर तेल टा कोन पे पूरा आवो ट्रांसफार्मर रो ऑयल न देले हमरो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर आसुछ तो तार इन्सुलेशन अलग रहउछ बुझले कि तो उति कि माने तार हीट होबनी तार वाइंडिंग किंतु आमे जदि आदरे एटा ऑयल टाइप ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर जदि आमे ऑयल न दउचंदी ट्रांसफार्मर ऑयल हीटिंग हेकि पड़ि जइ तेतमे हमको ऑयल कूल रखिया पे ऑयल दबा पड़ुछ आइ तो ट्रांसफार्मर रे ये हेलो रेडिएटर तो एटा हमरो ऑयल एयर कूल ले एटा ठंडा करबो जति पवन बाजी कि ठंडा करबो बडो बडो ट्रांसफार्मर अछि फैन कूलिंग अछि फैन लागथियो चारि पटे तो इगुडा होछि सब कोर ऑलरेडी रेडी हेकि रहिछि नै इगुडा रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर ए सब रिपेयरिंग होबो सफाई तो ये तुम मैंने मैनुफैक्चर भी होची रिपेयरिंग भी होची टोटल रिव्यू तो ये ट्रांसफार्मर मैंने तैयारी भी हुए और रिपेयरिंग भी हुए जो इनको पाखर जाए रिपेयर हुए बाहर भी जो आते हैं सब रिपेयर कर ना जो जो भी आस रिपेयरिंग हुए और ये ट्रांसफार्मरटा कमी कौन तैयार हुए मुझे तो देखेली मैंने फास्ट जस्ट गोटे एक्जामपल ये जमी कोर अच्छे से कोर एल टी एस टी कॉइल जो देखा से पूरा हम से पूरा हालापर ये जमी सब बक्स अच्छी ट्रांसफार्मर बक्स ता भितर भर्ती करा भर्ती करापर तादर तेल दि हे जो ट्रांसफार्मर ऑयल जोटा अच्छे से दिहब द्वारा कूल हो रहा तो तापर सब बाकी सब फिटिंग करी बेरियर जोटा कि 0 to 433 वोल्टेज पर्यटन दे पार तो बेरियर बेरियर आउटपुट हम ऑटो ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर आप 800 volt 600 volt 1200 volt सब टैप अच्छी जो वोल्टेज जी दरकार आमर से वोल्टेज में ऑटो ट्रांसफार्मर एटा अच्छे डीबीडीएफ मशीन जनरेटर मशीन डबल वोल्टेज डबल फ्रिक्वेन्सी आम 50 hertz फ्रिक्वेन्सी नर्माल आसे ये कि 100 hertz करदेव आ 433 नब अटो ठारू आउटपुट 866 करदेव जोटा कि ट्रांसफर्मर टेस्टिंग डीबीडीएफ तो मेनली ये कौन हुए ना जो ट्रांसफर्मर तैयारी जाए ताको टेस्टिंग करने रूम को अणाए विभिन्न प्रकार मानते जी जिते वोल्टेज थाए से परिमाण वोल्टेज देखिए टेस्ट कराए टेस्ट ओके है जाकि सर्टिफाइड मिले यदि टेस्ट फेल हो जब को आउ थ रिओपन कराई कम हेतापर जाए आउ थ टेस्ट करी टेस्टिंग सर्टिफाइड होगापर जा बक्स मानने जीव ड्यूटी लगे तो यही हूँ टेस्टिंग रूम देखने मशीन तार कम ये आमर नॉर्मल 11000 वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे 28 kV आउटपुट कर देव आम टेस्ट करूँ आर जब 33 kV जब आसमें 70 kV टेस्ट करूँ हाई वोल्टेज तो सब जिते प्रकार ट्रांसफार्मर अच्छे सब मैंने एक जीवा पूर्व सब टेस्ट हम से वोल्टेज सब टेस्ट होगापर ओके टेस्टेड पर डिस्पैच हम आरटा अच्छे पेनाल बोर्ड आस रेसीओ मीटर आम टर्न्स को जो टर्न्स कैलकुलेट हो दिखाई थे ट्रांसफार्मर
से टर्न्स ठीक अच्छे आम रेसीोमीटर चेक करा हूँ पावर आनालाइजर आज ट्रांसफॉर्मर लॉसेस आम देख इम्पीडेंस वोल्ट देख यहाँ हूँ टोटल पैनल वोल्ट इटी आम आयरन लॉस अच्छी डीबीडीएफ अच्छी सब ऑपरेटिंग टा यू हम तो तले जो मशीन देखिले तार सब टोटल ऑपरेटिंग ये पैनल बोर्ड हम पैनल बोर्ड ऑन हम वोल्टेज आसो एट फ्रिक्वेन्सी मीटर वोल्ट मीटर एटा के भी मीटर जो 28 के भी मुझे कहली अप्लाई करने ये के भी मीटर ये मिली एम्प मीटर अच्छी के मिली एम्पियर ड्र है शो कर ये एम्पियर मीटर आपर हूँ डीबीडीएफ रे एम्पियर जाऊँच नो लोड रे एम्पियर जाऊँच लोड लॉस रे एम्पियर जाऊँच रखापे विथ तापर भी पावर एनालाइजर आप सब देखिपर वोल्टेज इनसर्ट कर एम्पियर वोल्टेज सब देखिपर ऑयल बीडीबी मशीन ट्रांसफॉर्मर ऑयल ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट करने ये मशीन टा यूज करूँ भितर जो पॉट अच्छी ये पॉट रे हमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल आनी तो टेस्ट करूँ केते केवी स्टैंड कर मिनिमम 60 केवी आसवा दरकार केवी मीटर 60 केवी 1 मिनिट पर्यंत स्टैंड करवा दरकार है ओके टेस्टर कर आउटपुट कर वोल्टेज इनक्रीज कर डिक्रीज कर सब फंक्शन अच्छी या भितर अच्छे टोटल फैक्ट्री व्यूटा देखी नि जो एस टी कोईल अच्छी से गुड़ाक एल टी कोईल एगुड़ा कौन एस टी कोईल सेपटे से कोईल बाइंडिंग करने से सब मेसीन अच्छी ये एस टी मेसीन सेपटे से भाई जो ये पटा एल टी मेसीन एल टी कौन होता है कि मैंने मोटा जो कपर होगा आलुमिनियम से मोटार गैस थाए आस टी से पतला हो जाए